हाय गाइस, आज हम लोग पूरे भागलपुर दिखाने वाले हैं आप लोग को, और जो भी घूमने का प्लेस है वो सारा कुछ, एंड कुप्पा घाट एंड ऑल और सैंडेस हुआ, फिर और भी बहुत कुछ है पूरी तो आप लोग अभी बता दूंगा, फिर मज़ा नहीं आएगा ना, तो रेडी हो जाओ आप लोग देखने के लिए। हेलो गाइस, ये आ गया माउंट कार्मल स्कूल भागलपुर का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बस आ गया। बस आप लोग को दिख रहा होगा गेट तो अभी बस ये है, देखो आप लोग भागलपुर। और इधर से हम लोग अभी जा रहे हैं राजपुर के पास, और इधर बीच में आ रहा है हमारा लोग आ गए हैं पूल के पास। ये है विक्रमशिला पूल भागलपुर का सबसे फेमस जगह। देखिए आप लोग,
Yes, you're right, guys. जल्दी वेट करो, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत पास है यहाँ से, बहुत पास है। और ये सब यहाँ पे ट्रक का जाम लगा हुआ है, थोड़ा मोड़ा। और ये है इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, थोड़ा एग्रीकल्चर आगे है अभी, ठीक है। बट अभी अब तो देख लो इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर की, विलेज एरियाज टाइप है। और देखिए आप लोग लोकेशन को अच्छे से, और यहाँ पे फोटो शूट आप लोग कर सकते हो, भागलपुर की है, अच्छा जगह है। और फिर ये सब जगह पूरा यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, देखिए आप लोग दिख ही रहा होगा। और इधर पूरा ये 1970s का है कैंटीन, और ये पूरा कॉलेज है, देखिए। अब हम लोग टर्न कर लिए हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं एग्रीकल्चर कॉलेज। तो आप लोग देखो लोकेशन, अगर आप लोगों को पसंद आता है भागल फोटो शूट करवा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एरिया अच्छा आ रहा है, गर्मी है, देख सकते हो यहाँ पे शॉपिंग मॉल है गारमेंट्स के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं, बस कॉलेज आ रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं। अरे हम लोग पहुंच चुके हैं अभी एग्रीकल्चर कॉलेज, जूम करके ले भाई। और फिर यहाँ इधर पूरा जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में अपना आ रहा है यहाँ का। अंदर घुस सकते हम लोग? नहीं। कौन बोला? ये एग्रीकल्चर कॉलेज है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते, अभी घुसने नहीं दे रहा है।
इसलिए आप लोग इसे बाहर से ही देख लीजिए, अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कल्चर कॉलर। पूरा एग्रीकल्चर कॉलेज है गाइस, ये भागलपुर का बहुत फेमस है। और अब हम लोग टर्न कर रहे हैं यहाँ से। अब गाइस हम लोग इधर से निकल रहे हैं, बस अब हम लोग जा रहे हैं कुप्पा घाट है, यहाँ का फेमस है और वहाँ पे बहुत पूजा होता है। आप रेडी नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। ये टाटा मोटर्स है गाइस, पूरा शोरूम है, देखो आप लोग यहाँ का। अभी हम लोग 0 माइल में है, वो आप लोग देखो। बहुत फेमस जेल है ये यहाँ का, मतलब पूरे बिहार में फेमस है सेंट्रल जेल। और दिखा तो नहीं सकता यार अंदर जाके, बट हाँ इधर से मैं दिखा सकता हूँ कि कितना बड़ा लोकेशन है इधर का। इधर पूरा रूम है, महिंद्रा शोरूम आ गया गाइस।
आप लोग चुके हैं तिलकामा जी। यहाँ पे भागलपुर में इकलौता ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, इकलौता। हाँ ये पूरा यहाँ के देख सकते हो अभी थोड़े देर रख के अब आने वाले हैं। ये सुधा डेयरी आ गया, ये सुधा डेयरी है पे हमारे भागलपुर लड़के हैंड आउट करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। आराम से जान पर ये पूरा सुधा डेयरी है, आप तो जानते ही ये सुधा डेयरी कितना फेमस है और प्लस चाय कितना पसंद है। देखिए आप लोग थोड़ा ठंडी फैला कर इधर पूरा मंदिर है। वो जो सामने देख रहे हैं ना, वो वहाँ बाबा का एम्बेसडर रखा हुआ है, रेड कलर का एम्बेसडर। मतलब यहाँ के जो मेन बाबा थे, क्या तो नाम था उनका, क्या नाम था? यहाँ बहुत चीज़ें लेने की, यहाँ पे आप शूट बहुत अच्छे से करा सकते हैं और ये घूमने का बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे आप लोग शूट करा सकते हो और यहाँ पे लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हो खुद से ही। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ अभी, नीचे बाबा लोग के लिए गार्डन है, पूरा गार्डन है यहाँ पे। आप लोग देखो कपल्स के लिए नहीं है इसलिए यहाँ ना आए कपल, और यहाँ पे कपल्स के लिए तो अलाउड नहीं है लेकिन तो गार्डन अच्छा है, गार्डन अच्छा है यहाँ पे। देखिए आप लोग पूरा, और फिर इधर का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए इधर पूरा मंदिर है, इधर पूरा देखिए आप लोग, इधर देख सकते हैं आप लोग। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इधर देखिए आप लोग बाबा लोग हैं यहाँ पे, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा इधर पूरा बहुत अच्छा बड़ा गार्डन है पूरा, देखिए आप लोग। और बगल में पास में गंगा नदी है, और फिर उधर थोड़ा उधर आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर गंगा जी है। हाँ इधर ही गंगा जी, मतलब गंगा नदी। और आगे कुछ स्कल्पचर लगे हुए हैं बहुत से, मतलब कुछ। और इधर फ्रंट का तो गेट लॉक है शायद, तो अभी आप देख सकते हो पूरा। और इधर का लोकेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इधर मंदिर है पूरा, इधर आप फोटो शूट कर सकते हो आप आके, अच्छा है। और फिर इधर भी क्लिक करा सकते हो, इधर सब कोई बहुत कोई हैं घूमने वाले, देख सकते हैं आप लोग बहुत लोग हैं। देखिए पूरा लोकेशन दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ का
इधर भी पूरा देख सकते हैं आप लोग, पूरा बहुत बड़ा है प्लेस। और मैं आप लोग को नीचे का गार्डन दिखाता हूँ कुछ, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। और इधर कुछ पेड़ है, और इधर का मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखिए इसको, इसको वीडियो पॉज करना ठीक है, इसको स्टॉप मत करना, वो नीचे पॉज वाला बटन है ना वो करना। उधर भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ बाबाओं का वार्तालाप चल रहा है। हाँ ऐसा ही कुछ, इधर बहुत अच्छे से स्कल्पचर बना हुआ है और देख सकते हो इधर भी। वहाँ राम लक्ष्मण की मूर्ति बनी हुई है, बैर खिलाते हैं। बहुत अच्छा लुक दिया गया है यहाँ कुप्पा घाट के बिल्डिंग्स को, और यहाँ पे आप लोग फोटो क्लिप बहुत अच्छा आएगा। इधर से आप लोगों को ऊपर का लोकेशन कुछ मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देखिए कैसा है, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाबा भी अपने ज़माने में बहुत अच्छे मतलब स्वैग में रहते थे एकदम, मतलब कार वार रेड कलर की कार रखे थे वो एम्बेसडर बना के, एम्बेसडर नाम था। परमिशन लेकर के हम लोग अंदर आ चुके हैं आप सभी के लिए, आप लोगों को कार दिखाने के लिए। तो यही है वो एम्बेसडर, बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी है और बहुत अच्छी लग रही है। मतलब बाबा भी अपने ज़माने में बहुत स्वैग लुक में रहते होंगे, अच्छे से पूरी गाड़ी दिखा रहे हैं आपको। देखिए मतलब मॉडिफाइड एम्बेसडर लग रहा है ये तो। ठीक है तो अब आगे पूरा कुप्पा घाट दिखाना है आप लोगों को, तो चलते हैं अब आगे की ओर। तो अब जो यहाँ का मेन हाईलाइट है वो गुफा, मतलब ये गुफा कहाँ निकलता है किधर जाता है किसी को नहीं पता। हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे कि कोई एक बूढ़ा बूढ़ी गया था लैंटर्न लेके तो वापस लौट कर नहीं आया, इसलिए इस गुफा को बंद कर दिया गया। सामने बहुत अच्छा वो बन व्यू आ रहा है, मतलब शायद आगे बन रहा होगा मंदिर वगैरह, रिनोवेशन हो रहा मंदिर का। तो ये हम लोग गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ का मेन हाईलाइट है ये गुफा। तो फिर चलिए अंदर, तो अंधेरा होगा तो दिखा नहीं पाएंगे, फ्लैश ऑन कर चप्पल, चलो ऐसे तो फ्लैश ऑन कर लो, इसको कर लिया है। आप लोगों को अंदर दिख रहा होगा पूरा खंडर बन चुका है ये गुफा, अंदर ढह चुकी है पूरा। उधर उधर भी है, तीन गुफा है। हाँ। तीन नहीं चार है, सॉरी मतलब एंट्रेंस तीन है लेकिन गुफा एक ही है। हाँ।
और गुफा पूरा दह चुका है, आप लोगों को शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। दुकान है, आप अगर चाहे तो यहाँ से बहुत सारी तस्वीरें खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आप, और बुक्स भी बहुत सारी है, किताबें भी बहुत है। किस चीज़ के लिए? सत्संग वगैरह के लिए किताबें हैं यहाँ, और यहाँ पे हमेशा भंडारा भी होता है, जिन्हें भंडारा पसंद है वो आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है इस बिल्डिंग का, मुझे पता नहीं आप सभी को पसंद आएगा कि नहीं। और यहाँ पे बाबा रहते थे, अंदर में पूरा तकिया क्या, अरे पहुँच करना कैसे ले रहा है समझा, सोचो तुम देख रहा है इसको, और ऊपर सीढ़ी से चढ़ चप्पल खोल के अंदर का दिखा, यहाँ पे रहते थे, अब दिखा वैसे करके, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा, उधर गंगा जी। ठीक है, यही है वो बाबा। ये गंगा नदी है जो यहाँ पास में ही, मतलब ये मंदिर गंगा नदी के पास ही है। अच्छा ठीक, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बाबा लोगों के लिए बहुत सारी रहने की जगह है, यहाँ बाबा लोग रहते हैं, और फिर आगे जाके वहाँ जहाँ भंडारा होता है वगैरह वगैरह, यहाँ ये देखिए ऐसी जगह पे बाबा लोग रहते हैं, यहाँ पे बाबा लोग रहते हैं। और ये यहाँ पे धार्मिक स्थान है बहुत अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे घूमने के। और ये सुंदर महिला कॉलेज, ये हम लोग एसएम कॉलेज के बाहर हैं, भागलपुर का है। ये अभी पूरा डार्क हो गया है रोड, आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये पूरा अभी जा रहे हैं हम लोग। मेडिकल कॉलेज आने वाला है अभी, आप लोग देख सकते हो, अभी यहाँ पे लाइट जल रहा है तो आप लोगों को कुछ दिख जाएगा अच्छे से, बट उधर तो नहीं जल रहा था। देखिए 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 देखिए, ये पूरा मेडिकल कॉलेज है, पूरा हमें भी लग रहा है अभी भीड़ होता है इधर, पूरा लोकेशन आगे तक है, पूरा बहुत बड़ा है। और आगे हम लोग जा रहे हैं मनाली चौकान, इधर हम लोग इंस्टीट्यूट के पास हैं, ये जगह है जहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। इधर मतलब सारा एजुकेशन अवेलेबल है, हाँ। सब कुछ का, हाँ। मतलब जो भी ट्यूशंस करना है वो इधर कर सकते हो आप लोग।
यहाँ पे भी कर सकते हो आप लोग। इधर इधर सिर्फ मतलब क्या है ना, इधर बस पढ़ाई से ही रिलेटेड सब कुछ है। अभी हम लोग जा रहे हैं आदमपुर आने वाला है, ये अमूल का है जो थोड़े पूरा अंधेरा हो चुका है भाई। हमको पता है गाइस आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये दिशा इधर आप लोग देख सकते हो, और ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप लोग आज चाहे से रेस्टोरेंट है, यहाँ बहुत चाह है लोगों को आने की। ये अभी हम लोग आदमपुर पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो घर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे सब्जी अवेलेबल रहते हैं, और आगे मंदिर है देखिए आप लोग पुराना। और ये GTM मॉल है जो बनने वाला अभी बन ही रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ये भागलपुर में पहला मॉल होगा, उसमें कार्निवल सिनेमाज है, भागलपुर में पहला मल्टीप्लेक्स भी इसमें खुलने वाला है। और स्ट्रक्चर से तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये, आप लोग फ्रंट से देख सकते हो इसको पूरा। और इधर ये मॉल है, यहाँ गली बॉय लगा हुआ है, गली बॉय लगा हुआ है अभी यहाँ पे, तो आप लोग देख लो। और यहाँ का मंदिर है, स्टेडियम है, अभी पार्क आने वाला है, देखिएगा चिल्ड्रन पार्क आने वाला है। हाँ पूरा टाउन हॉल आ रहा है यहाँ पे, मतलब प्रोग्राम होता है पूरा। इधर देख रहे होंगे आप लोग, इधर पूरा मेन गेट है ये टाउन हॉल का पूरा। इधर अभी बूढ़ानाथ मंदिर आने वाला है, तो वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, और वहाँ पे पार्क भी है, तो आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट। अभी हम लोग पहुँचे हैं बूढ़ानाथ मंदिर, देखिए आप लोग ये बूढ़ानाथ मंदिर आगे है, देखिए इधर ये पूरा मंदिर है, सबको जा रहे हैं क्या? गाड़ी नीचे लगा, इधर इधर पूरा है मंदिर, देखिए पूरा मंदिर है यहाँ पे, बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है ये। और ये अभी हम लोग पार्क में जा रहे हैं, तो थोड़ा अंधेरा है। दिस पार्क इज फेमस फॉर कपल, हाँ कपल्स लोग के लिए बहुत फेमस है ये, आप लोग देख रहे होगे, देखिए पूरा व्यू, देखिए हार्ट बना हुआ है वहाँ पे, बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ का व्यू कितना मस्त है, आप लोग देख सकते हो। और इधर से ऊपर से पूरा रास्ता है इधर से जाने का, तो शायद अभी क्लोज्ड हो गया है, तो अब हम लोग को जाना पड़ेगा, सॉरी गाइस अंदर का नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ का मंदिर है, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ,
और ये मंदिर है पूरा, बहुत फेमस है और बहुत पुराना मंदिर है भागलपुर का। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, इतना रात हो चुका है फिर भी यहाँ देखिए बहुत भीड़ है पूरा। मेन अभी चौक पे हम लोग, मेन मार्केट जो है वही पे हम लोग अभी अभी हम लोग चौक पे हैं। और यहाँ की सॉफ्टी बहुत मस्त है, यहाँ पे सॉफ्टी बहुत फेमस है। बहुत जगह सामान सप्लाई होता है यहाँ पे, और ये बहुत फेमस है, मतलब बहुत फेमस है बिहार के बहुत सारे जगहों पे यहाँ से सामान सप्लाई होता है। यहाँ पे बहुत जगह सप्लाई होता है, सब तो कुछ अवेलेबल है इस मार्केट में। और ये आप लोग देख सकते हो घंटा घर है हमारा, क्या नाम है यार, सदर अस्पताल है ये भागलपुर का। देखिए आप लोग, ये अभी अच्छे से तो नहीं आ रहा, पूरा अंधेरा हो चुका है ना। और फिर आगे आप लोग देखिए, आगे रॉयल दरबार आने वाला है और फिर यहाँ का पोस्ट ऑफिस है। तो एक मिनट वेट कीजिए, आ रहा बस। यहाँ पे छोटा मार्केट है, यहाँ पे कुछ कुछ मिलता है, कपड़ा फूल फल ये सब, मेडिकल दुकान है, मेडिकल स्टोर्स। और ये पोस्ट ऑफिस है इधर, मेडिकल दुकान में आप बैलेंस ये पोस्ट ऑफिस है पूरा, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक। पूरा पोस्ट ऑफिस तरीके से सजाया गया है पोस्ट ऑफिस को, अभी पूरा सजाया हुआ है पोस्ट ऑफिस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हो ऐसा। और ये इधर का मॉल है इंडिया बाजार, और यहाँ पे शोरूम है चौकी का, ये कैनरा बैंक इधर का, और फिर इधर इधर रॉयल दरबार है। डोसा प्लाजा है, बिग बाइट है, आप सब जानते हैं यहाँ पे बिग क्लब है, फिर जावेद हबीब है यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा जैसा, फिर इधर देख सकते हैं आप लोग बाबरा इंटरनेशनल। फिर भगवती है, ये भगवती कोटिया, यहाँ पे देखिए आप डोमिनोज है, और फिर मॉल है, और भी बहुत सारे मॉल हैं। ये पंचवटी है, वाटर पंचवटी देखिए, ये राजहंस इंटरनेशनल है, और फिर ये इग्नाइट है, इंस्टीट्यूट है इधर। यहाँ का चर्च है भागलपुर का, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी बन रहा है। और ये कचहरी चौक है,
ये यहाँ का देख सकते हैं आप, वह है ये पेट्रोल पंप है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, यहाँ मेफेयर है, जायका बिरयानी है, देखिए इधर, फिर इधर आकाश इंस्टीट्यूट है ऊपर, ये यहाँ पे ऊपर है, और ये मॉल है पूरा इधर। और फिर ये है सिटी लाइफ, ये भी मॉल है, शॉपिंग सेंटर यहाँ के। फिर इधर मेगा शॉप है, उधर मैक्सी बिरयानी है पूरा, ये होटल मैक्सी है जहाँ एक टकीला मल्टी कॉफी है। अब मोंटेसिसी आने वाला है, मोंटेसिसी का जूनियर सेक्शन है, तो आप लोग देख सकते हो इधर है पूरा है। अभी तो रात हो चुका है तो बंद हो गया है, वरना अंदर जाकर हम लोग दिखाते हैं। अभी देखिए आप दिख रहा हूँ, देखिए इधर मेन गेट, नगर निगम है कार्यालय भागलपुर का। ये मनाली चौक है, मनाली फूड्स, टाइम बताओ। यहाँ पे पूरा इंस्टीट्यूट ही है, पूरा सारा जगह हर पढ़ाई के लिए, हर चीज़ सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे पढ़ाई के लिए, टीचर्स मिलेंगे यहाँ। ये भी यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ही खोल रहा है, और इधर भी, इधर SBI बैंक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर आप लोग देख सकते हैं। इधर भी पूरा इंस्टीट्यूट ही है, इधर भी बैंक है SBI का। सारा घुस जाए इधर मजा आ जाएगा। और ये जिम है, इधर से ले ले कचहरी होता है, हाँ फिटनेस मंत्रा। और ये मंदिर बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, 100 साल से भी ऊपर का है ये मंदिर। यहाँ पे अभी व्यू आने वाला है, ये यहाँ का होटल है, आप लोग देख सकते हो खाना खजाना। और ये नवयुग स्कूल है, ये देखिए आप लोग पूरा मेन गेट। और ये आप लोग देख सकते हो बजाज का शोरूम है, आप लोग देख सकते हो चंपारण मीट हाउस खुला हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, ये मॉर्निंग का शूट हो रहा है।
आज हम लोग वी मार्ट के पास आ गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं आज सेकंड ब्लॉग है हम लोग का, तो पूरा इधर वी मार्ट है। आप लोग को हम बैक कैमरा से दिखा रहे हैं अभी, एक सेकंड। इधर ये भागलपुर का हॉल है, अजंता हॉल, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये बंद हो चुका है। लास्ट बागी टू लगा था यहाँ पे। इधर आप लोग स्टाइल बाजार देख सकते हो, मॉल है यहाँ का। फिर इधर भी है सिटी गार्ड। इधर रिलायंस ट्रेंड है, सिद्धारपुर चले मॉल था तो बंद हो गया अभी तो। अभी यहाँ पूल आने वाला है, आप लोग देखो इधर थोड़ा ट्रैफिक रहता है हमेशा, तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे। भागलपुर का ओवरब्रिज, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ट्रैफिक है, और इधर पूरा बस स्टैंड है यहाँ का। अभी हम लोग कुछ देर में जाने वाले हैं, पर अभी नहीं जाने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पूल पे हैं एग्जैक्ट, आप लोग देख रहे हो। और इधर पूरा ये वाला होटल यहीं पे एग्जैक्ट शूटिंग हुआ था, तो और फिर अभी हम लोग स्टेशन पहुँचने वाले हैं, भागलपुर स्टेशन। तो यहाँ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। और बहुत धूप की हवा है यहाँ पे, और फिर पूरा ट्रैफिक है, आप लोग देखिए जैसा इधर आगे भी है, पूरा ट्रैफिक है आगे। इधर पूरा स्टेशन है, और अभी ये छोटी जैन मंदिर है यहाँ की, जैन धर्मशाला।
ये ततारपुर का मस्जिद है और ये बहुत बड़ा मस्जिद है, तो जैसा देख रहे होगे। और यहाँ पे बेकरी सबका सामान बहुत अच्छा मिलता है। हम लोग जा रहे हैं नाथनगर, अभी जोसफ आने वाला है, जैन मंदिर आने वाला है, TNV कॉलेज, मनवाड़ी कॉलेज, ये यहाँ का रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, आप लोग देख सकते हो। आने वाला है ये, अभी हाफ कंप्लीट हुआ, अभी तो ओपन हो चुका है, तो और अभी ऊपर बनने वाला है। ये मुस्लिम कॉलेज है, देखिए टाइम्स है भागलपुर का, देखिए कितना बड़ा है। अभी हम लोग पर्वती पहुंच चुके हैं, जैसा आप लोग देख रहे होंगे। TNV कॉलेज है भागलपुर का, अभी हम लोग जोसफ के बाहर हैं, आप लोग देख लीजिए, ये जोसफ है। ये जोसफ जैन मंदिर अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आप देखिए जैन मंदिर आ चुका है और पूरा खाली है इधर रोड पूरा। आप लोग देख सकते हो, तो गाइज अभी हम लोग जैन मंदिर पहुंच चुके हैं, आप लोग को दिख रहा होगा ये जैन मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर है और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। इधर का फ्रंट आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए इधर कैमरा तो ले जाना अलाउड नहीं है और अंदर गार्ड्स हैं, तो इसलिए कैमरा क्लोज कर रहा हूँ मैं। गाइज अभी हम लोग जैन मंदिर से निकल रहे हैं, आप लोग देखिए इधर, फिर भी अब हम लोग जा रहे हैं TNV कॉलेज साइड, और भी इधर कुछ मंदिर हैं तो हमें अच्छे से तो पता नहीं है, अभी तो अभी पता चल जाएगा, फिर इधर हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग काली मंदिर के बाहर हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ, और अभी हम लोग चंपा नगर जा रहे हैं, जिसके लिए भागलपुर पूरा फेमस है, सिल्क सिटी, तो जहाँ सिल्क का बहुत सारा काम होता है वहाँ पे सिल्क का ही सारा काम होता है, उसके लिए पूरा भागलपुर फेमस है। माइनर इंडस्ट्री वहाँ के घर के लोग ही खुद से सिल्क बनाते हैं, हैंडमेड सिल्क मिलता है भागलपुरी सिल्क से। तो आप लोग को अभी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है सारा मशीन और सब कुछ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ऑन द वे है, और यहाँ पे अभी हॉल आने वाला है, देखिए आप जैसे कि आप जानते हैं।
बहुत फेमस है यहाँ पे गिरा हुआ चलान नाम। ये नाथनगर का हॉल था और यहाँ पे नाथनगर के लोग देखने आते हैं। हम लोग नाथनगर थाना के पास है तो देख लीजिए आप लोग थाना कैसा लगता है बाहर से। बिहार का थाना है भाई ऑब्वियसली, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा पुल है। यहाँ नया पुल भी बनने वाला है जल्दी और बहुत पुराना पुल है ये। और यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा है बट ट्रैवलिंग बहुत लोग करते हैं। आप लोग जैसा देख सकते हो यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है और एक यहाँ पे मंदिर भी है जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ अभी, तो आप लोग देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लग रहा मंदिर आप लोगों को। बहुत फेमस है ये मंदिर और बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा मंदिर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ हनुमान जी का एक मूर्ति है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये बहुत फेमस है यहाँ का और बहुत लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसा बहुत सुंदर है बाहर से भी, पूरा लोकेशन बहुत अच्छा। ये शायद आप लोग देख सक रहे होंगे यही वो नया पुल है जो बन रहा है। यही वो नया पुल है जहाँ पे सिल्क का बहुत काम होता है, मतलब वहाँ 10 में से हर एक घर में सिल्क का काम होता है। लोग वहाँ से अच्छे अच्छे क्वालिटी के सिल्क खरीद सकते हैं। वहाँ से बहुत जगह सप्लाई होता है और भागलपुर इसीलिए फेमस है। तो हम लोग दिखा रहे हैं अभी तो इधर का, आप लोग लोकेशन देखो उधर जो अभी हम लोगों ने पुल का शूटिंग किया था ना, तो उधर वो पुल है पूरा और इधर पूरा विलेज एरिया है, फार्मिंग पूरा किया हुआ इधर पूरा ग्रीन सीन है बहुत सुंदर। अभी हम लोग चंपा नगर घूम रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ हर जगह सिल्क की साड़ियाँ बिक रही है धीरे धीरे। देखिए हर जगह हर घर में इधर पे आप लोग देख सकते हैं घर के अंदर सिल्क का काम होता है। अभी आप लोगों को क्लोज करके दिखाने वाले हैं अंदर चलो। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से सिल्क का सप्लाई भी होता है हर जगह। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिल्क का सप्लाई होता है और इतना सारा सिल्क ले जाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिल्क मशीन से बनाया जाता है। आप लोगों के लिए हमने परमिशन ले करके मशीन का वीडियो लेने के लिए आए हैं। 10 में से हर घर में मशीन बनता है। और ये अंकल और ये अंकल जिनका ये सिल्क है क्या वो है हाथ में लाइए अंकल का ही है वो, तो अंकल से ही परमिशन लिए थे हम लोग यहाँ का वीडियो लेने के लिए और उस भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को। हो सकता है आवाज़ बहुत कम आ रही हो मेरी, कहती है मशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ है, ऐसे ही होता है यहाँ पे सिल्क का काम देख सकते हो आप लोग। अच्छे से ये माइनर इंडस्ट्री, जैसा कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा माइनर इंडस्ट्री इसी को कहते हैं, ज्योग्राफी वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा और अभी जिनका कॉमर्स होगा वो लोग भी पढ़े होंगे। लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो पूरा मशीन लगा हुआ है, यहाँ पे अंकल है काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, पूरा मशीन यहाँ से वहाँ तक पूरा लगा हुआ मशीन यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे होगे। और नाथनगर में ये सब यहाँ चंपा नगर का सबसे फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है सिर्फ यहाँ पे सेल्फ के लिए। भागलपुर पूरा फेमस है आप लोग जैसा देख रहे हो, तो उसको और थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं क्लोज करके। लोग जैसा देख सकते हो यहाँ पे पूरा काम हो रहा है, पूरा मशीन लगा हुआ है यहाँ पे। ऐसी हम लोग कुछ कर रहे हैं वगैरह होता है, ऐसा देख सकते हो यहाँ पे पूरा काम चल रहा है और ये पूरा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सुंदर है और देख रहे हो आप लोग जैसा दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा दूर करके।
पूरा लोकेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी के लिए भी आ सकते हो और यहाँ पे बहुत अच्छा पूजा पाठ करने का है जगह। देख रहे हो आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हो आप लोग। सो आप लोगों ने जैसे देखा अभी कि हम लोगों ने अभी सिल्क सिटी है इसका नाम, और यहाँ सिल्क का सब कुछ हम लोगों ने दिखाया अभी। और ये विवेक है मेरे साथ, आप लोग देख सकते हो। और फिर इधर मतलब पूरा मतलब कि सबके घर में मतलब 90% में 100% 90% सिल्क का काम होता है। और आप लोग जैसा देख रहे होगे यहाँ पे एक आ रहा है अभी मस्जिद आ रहा है, और यहाँ का ये बहुत बड़ा मस्जिद है। इधर अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी कॉलेजेस का भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, कुछ मंदिर है वो सब का आप लोग देखोगे। अभी आप लोग बताना फिर कैसा लग रहा है। और यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा आगे हैं। इधर कुछ बच्चे लोगों का छुट्टी हो चुका है स्कूल का, हो चुका है, पूरा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। और ये अभी हम लोग भूतनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं, आप लोग देख रहे हो बहुत पुराना मंदिर है ये। ये भूतनाथ मंदिर के बाबा हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा मंदिर बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। आप लोग जैसा देख रहे होगे ये बहुत शांत है, यहाँ पे कोई है नहीं अभी, लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम ये मंदिर बहुत भरा हुआ रहता है, बहुत भीड़ रहता है इस मंदिर में दुर्गा पूजा के टाइम। अभी तो उतना भीड़ है नहीं, अभी तो भीड़ ही नहीं है, अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली। भक्तों का बहुत बड़ा झुंड आता है यहाँ पे जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है। सकते हो भगवान नंदी है माता, और यहाँ पे पेड़ है पीपल का, तो आप लोग देख सकते हो पूरा है। और ये हमारे शिव जी जिनके बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब हमारे एज के भी बहुत सारे भक्त हैं इनके, आप लोग तो जानते ही है। देख सकते हैं आप लोग पूरा मंदिर यहाँ का, इनके भक्त तो लाखों में है, और इनके भक्त तो लाखों में है करोड़ों में है। बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऊपर करके, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग रविंद्र भवन में है, तो इधर का आप लोग सीन देख सकते हो पूरा जैसा यहाँ का है। इधर वो साइड सराय का है, वहाँ सराय के सारे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ जाएंगे। थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट परफेक्टली तो नहीं आएगा, और मैं दिखा रहा हूँ इधर। पूरा देख सकते हो आप लोग, मस्त जगह है यहाँ का, गाड़ी भी लगी हुई अपनी। सो गाइज अभी आप लोग जैसा देख सकते हो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये आप लोग जैसा देख सकते हो अभी हम लोग सराय जा रहे हैं।
जगह यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत स्कूल है, मतलब यहाँ पे बहुत मतलब कि सारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट है यहाँ पे भी स्टूडेंट्स रूम रेंट लेके रहते हैं यार, बहुत अच्छा कंडीशन है यहाँ का पढ़ाई लिखाई का। और यहाँ पे बहुत सारे रूम है, लॉज है, और फिर इधर क्लासेस बहुत सारे हैं आप लोग जैसा देख रहे होंगे, इधर सिर्फ स्टूडेंट ही दिख रहे होंगे आप लोगों को। और अभी हम लोग एसकेपी स्कूल के पास हैं, एसकेपी स्कूल ये रहा पूरा बिल्डिंग इसका, देख लीजिए आप लोग बाहर का इसका। बाजार है ये पूरा, देखिए अभी बन रहा है बस। दिख रहा होगा कमिंग सून लिखा हुआ है, अभी अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग तेतारपुर में हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा रेलवे ट्रैक है। इधर से आप लोग देख सकते हो देवघर का भी रास्ता और बांका का, यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है और बांका 43 किलोमीटर। अभी हम लोग सरदारपुर पहुँच चुके हैं, आप लोगों को बोर्ड भी दिख रहा होगा। भागलपुर के एंड तक पहुंच गए, देखिए वहाँ लिखा हुआ है अमरपुर बांका दिनकर टिकट टिकट। आप लोग देख सकते हो यहाँ भागलपुर का एंड है ये, अमरपुर बांका देवघर, और यहाँ से आप लोग अमरपुर देवघर बांका जा सकते, जाने का रास्ता है ये अमरपुर बांका देवघर टिकट टिकट। पूरा यहाँ से वहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है रोड, एक गिट्टी में कमी आ रहा हूँ अभी हाईवे के पास पहुंच चुके हैं। इधर आप लोग थोड़ा दिखाऊं, जैसा आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी हाईवे पे चढ़ रहे हैं, तो मैं दिख रहा होगा बस थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। आप लोग सीन देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, भागलपुर स्मार्ट सिटी है अपना। बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे।
लोग जैसा देख सकते हो ये सेंट्रेसा आ चुका है पूरा बिल्डिंग। यहाँ पे छोटा सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसकी वजह से आप लोग भागलपुर को छोटा अमेरिका कह सकते हैं। मतलब अब हो गया मिर्ज़ापुर वाला बात तो छेड़ दिए हम, बनाएंगे भागलपुर को अमेरिका। और ये सेंट्रेसा स्कूल का पूरा बिल्डिंग है आप लोग जैसा देख सकते हो इधर पूरा, और फिर इधर पूरा सीन है अच्छा बहुत, बाहर का सीन भी है। और ये सेंट्रेसा स्कूल पूरा पूरा ट्रक बहुत पास होते हैं इधर से, और इधर पूरा फार्मिंग होता है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग होता है इधर, तो आप लोग देख रहे हो जैसा। यहाँ पे पूरा धूप है अभी तो, और इधर मैं बैक कैमरा से अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग जैसा देख सकते हो इधर, और इधर पूरा फार्मिंग हो रहा है, देख सकते हो आगे बिरला स्कूल बन रहा है और इधर पूरा फार्मिंग होता है, दिख रहा होगा आप लोगों को पूरा, और इधर पूरा हाईवे है। अभी आप लोग देख सकते हैं जैसा बिरला स्कूल के बाहर है, अभी आप लोग जैसा देख सकते हो हम लोग जीएस गार्डन के बाहर हैं बस, और फिर अंदर एंट्री होगा। अभी यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग जैसा देख सकते हो यहाँ का जीएस गार्डन है, बहुत अच्छा अंदर से बहुत खूबसूरत है, वहाँ बोटिंग के लिए भी है, झील बनाए हुए हैं। इधर पूरा सीन आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। और यहाँ पे शादी एंड ऑल होता है, आप लोग को थोड़ा ऊपर से मैं दिखाता हूँ सीन यहाँ का। यहाँ से स्लाइड है, आप लोग स्लाइड भी कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग का देख सकते हो कितना सुंदर है ये पूरा जेस गार्डन। और ये इधर भी देख सकते हो, सेकंड फ्लोर पे पेड़ उगा दिया है इन्होंने, बहुत बड़ी बात है, जो ये पर्यावरण का बहुत केयर कर रहे हैं, पेड़ वेड़ नहीं काटा इन्होंने, और बहुत पेड़ है यहाँ पे जिससे सभी को ऑक्सीजन मिल रहा है। और अभी हम लोग मिर्जान चौक आने वाले हैं, ये फ्रंट सामने में मिर्जान चौक है ये पूरा इधर। आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, ये हाईवे के ऊपर का है, और ये इधर पूरा आप लोग जैसा देख सकते हो आगे शूट चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे शूट करवा सकते हो, और अच्छा लोकेशन है यहाँ का। तभी आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग मंदिर के बाहर हैं, यहाँ का लोकेशन आप लोग पूरा देख सकते हैं इधर का, कितना सुंदर है यहाँ का लोकेशन।
अभी हम लोग हाईवे पे थे तो कुछ फ्रेंड्स मिल गए हम लोग को, और ये भी है सब्सक्राइबर है हमारे, सब्सक्राइबर से ये लोग, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, और यहाँ पे चिन्मय है अपने भागलपुर का है। और अभी पूरा रात हो गया है, आज हम लोग का थर्ड डे ब्लॉग है, और अभी हम लोग आप लोग को मेडिकल कॉलेज दिखाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो पूरा फ्रंट से यहाँ का कैसा है, जूम करके दिखा भाई।